वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लिरॉक एजुकेशन में, जहां हम बुक्स की रिव्यू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सामान्य ज्ञान मंजूषा यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल बुक्स हैं उसकी रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैग्रा हिल एजुकेशन इसको पब्लिश करता है। ये जो बुक आपके सामने है वो फोर्थ एडिशन यानी कि चौथे संस्करण की बुक है, और इस पर एक यहाँ पर होलोग्राम स्टिकर दिया हुआ है जो कि इस बुक की जेन्युइननेस को डिफाइन करेगा। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है इस बुक में खास। यह है बुक का नेक्स्ट पेज, यानी कि फ्रंट पेज के बाद से उसका नेक्स्ट पेज है, जहाँ पे यह लिखा हुआ है कि यह सामान्य ज्ञान मंजूषा यानी कि बुक का टाइटल नेम और ये पब्लिशर्स एड्रेस, क्योंकि मैग्रो हिल एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने बुक्स पब्लिशिंग के लिए, तो ये उसकी एड्रेसेस और ये सारे उसके ऑफिसेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। इस तरीके से इसका ये पेज जो आपको दिख रहा है, इसमें प्राइस लिस्ट इंक्लूड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस लिस्ट इंक्लूड नहीं है। ये ब्रांडेड जो बुक्स हैं यानी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, ये इनकी प्राइस स्टिकर में यानी कि पीछे चिपकाई जाती हैं या तो होती ही नहीं है, तो इसमें इसकी प्राइस यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई है। इस बुक की जो पेजेस है वो काफ़ी पतली है, यानी कि बहुत ही यहाँ पे ये प्रस्तावना यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि प्रीफेस, कि क्यों सामान्य ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है, आसपास के जो भी घटनाएं हैं या जो भी हिस्ट्री की जो घटनाएं हैं या जो घटनाएं ज्योग्राफी फिजिक्स और बायोलॉजी को रिलेट करती हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में इस बुक में उसकी जानकारी दी हुई रहती है। और यह हिंदी एडिशन की बुक है, तो हिंदी स्टूडेंट्स वाले बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं कि क्यों बुक ज़रूरी है। इस पेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जीके जो है यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान जो है वो किन किन परीक्षाओं में कितने कितने मार्क्स के मतलब प्रश्नों की संख्या क्या होती है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और जो स्टार लगाया हुआ है यानी कि जिस भी मार्क्स में, तो वो बदलते रहता है समय के अनुसार, यानी कि वो डिपेंड करता है परीक्षा लेने वाले पे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, जैसे IAS की प्रारंभिक परीक्षा हो गई, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि CDS हो गई, NDA की हो गई, और CRPF जो हो गई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उस तरह की ये सारी बुक्स की यहाँ पे जो भी हैं कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, और पिछले 5 वर्षों में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थी उन सभी के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें है। अब यहाँ पे है विषय सूची यानी कि उसका कॉन्टेंट, तो कॉन्टेंट आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। शुरू में विश्व का इतिहास है, फिर भारत का इतिहास, फिर विश्व का भूगोल जैसे ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानों का सैल, इन तरीके से यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। काफ़ी चीज़ों को डिटेल यहाँ पे बताया गया है, जैसे फिर भारत का भूगोल आ गया, फिर भौतिकी से रिलेटेड यानी कि सामान्य विज्ञान भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, फिर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इस बुक के पेज के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट वाइज दिया, जैसे 5.1 यानी कि चैप्टर 5 यानी कि भाग 5 और 54, तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं कि कितने पेजेस में ये है। सेपरेटली इसको ऐड करना पड़ेगा कि कितने पेज में ये बुक है। यहाँ पे राज्य व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है, भाग 5 में अर्थव्यवस्था के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी कि विश्व का सामान्य ज्ञान, फिर भारत का सामान्य ज्ञान, फिर खेल परिदृश्य, बिजनेस GK, दुर्लभ तथ्य, और हिंदी भाषी राज्य यानी कि भाग 10 में हिंदी भाषी राज्य यहाँ पे उस तरीके से करके, जैसे अपेंडिक्स में नहीं दिया रहता है कि कुछ चीज़ खोजने हो तो कहाँ मिलेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे भी यह चीज़ दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके जो भी पढ़ना हो उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हर एक राज्य के बारे में मतलब दिया हुआ है, जैसे उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़, उसके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि क्या है, और ये यहाँ का बुक शुरू होता है इस तरीके से, इतिहास भाग 1।
एक पेज में और दिखा दूँ, इस तरीके से है विश्व इतिहास। पॉइंट वाइज सारे चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है ताकि याद करने में भी स्टूडेंट्स को आसानी हो। ये देखिए, ये बुक की मोटाई है इतनी, ये बुक का बैक कवर, यहाँ पे इसका ISBN नंबर, ये पब्लिशर्स वाला, ये ब्रांडेड बुक है। इसकी कीमत जब मैंने ख़रीदी थी तो इसकी कीमत 275 रुपये थी डिस्काउंट दे करके, तो इसकी रियल MRP क्या है वो मुझे भी नहीं पता है। तो आप भी जब इसे परचेज़ करें तो उसी रेंज में आप देखें कि कितने रुपए में आपको मिल रही है। मैंने इस बुक का ऑनेस्टली रिव्यू दिया हुआ है। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स जो सामान्य ज्ञान पे यानी कि जनरल नॉलेज यानी GK और GS के रूप में अवेलेबल हैं, आप परचेस करते समय देख लें कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।